हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन के टॉपिक को कवर किया था, आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, हमारे पास एक सेट है इंटीजर्स का और उसमें एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है। नाउ अब हमें चेक करना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम जो हमारे पास रिलेशन गिवन है उसको देखते हैं। x माइनस वाई एक इंटीजर है और हमारे पास जो सेट है वो z है, तो हम अपने रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर रिलेशन आर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ऑल पे वर्क करना है, ऑल इंटीजर्स पे वर्क करना है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिलेशन ए ए बिलोंग्स टू आर। नाउ एक्स वाई दैट मीन्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज एन इंटीजर। तो ये हमारा सेट में बिलोंग करेगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज एन इंटीजर। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड हमें चेक करना है दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीजर वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। गिवन है हमारे पास रिलेशन आर है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। नाउ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, सो माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आप इंटीजर में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटीजर ही रहेगा। नाउ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इज एन इंटीजर, सो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर एंड अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। Now let x y belongs to R and y z belongs to R, where x y and z belongs to net integers, where x y and z belongs to integers. Now if x y belongs to R, that means x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड इफ वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर एंड द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर x माइनस जेड इज एन इंटीजर एंड इफ x माइनस जेड इज एन इंटीजर दैट मीन्स
एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं इसका. रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6, हमें एक सेट डिफाइन किया है 1 2 6, और रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स. ये हमें रिलेशन गिवन है. अब हमें चेक करना है कि जो रिलेशन हमें गिवन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो डिफाइन है, तो हम यहाँ से रिलेशंस बनाएंगे. सबसे पहले R इज इक्वल्स टू Y इज डिविजिबल बाय X, तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 2 4 2 6 3 6, तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू ए. नाउ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए 1 2 3 4 5 6, ए ए बिलोंग्स टू आर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर. नाउ हियर 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन. हमने सिर्फ लेट किया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूफ करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर. नाउ इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन y is divisible by x according to given relation, and if y z belongs to r then z is divisible by y according to given relation. जो हमें relation given था उसके according if x y belongs to r then y is divisible by x, and if y z belongs to r then z is divisible by y. Now, if y is divisible by x and z is divisible by y, so z is divisible by x. And if z is divisible by x, then x z belongs to R. क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या था, एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, so z is divisible by x, so x z belongs to R. यही हमें प्रूफ करना था ट्रांजिटिव के लिए, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन.